तुम देखोगे कैसे ये मोटा लड़का जिसको सब बुली करते रहते हैं मारते रहते हैं और मारते रहते हैं अबे बस कर यार कैसे कैसे ये एकदम ताकतवर और और हैंडसम मुंडे में बदल जाता है है फिर इसकी लाइफ चेंज हो जाती है। चलो शुरू से शुरू करते हैं कहानी शुरू होती है जब हम देखते हैं इस लड़के को जिसका नाम है पार्क ये बुली हो रहा है वॉशरूम में कुछ बुली बुलिस से। एक सेकेंड ये कौन सा वॉशरूम है लड़के लड़की दोनों यहाँ पे है यार ये बड़े वाला बुली पार्क काफी मजाक बनाता है और वो दोनों मस्ती में देख रहे होते हैं इसका मजाक बनते हुए वो बोलता है पार्क मेरा कुत्ता है तो पार्क कुत्ते की तरह बनकर दिखा इनको पर पार्क के कुत्ते बनने की एक्टिंग भी से पसंद नहीं आती अगर लड़की बनती ना कुत्तिया तो अभी के अभी डॉगोशल करना शुरू हो जाता है बुली पार्क को फिर मारता है फिर उसे बोलता चल सुअर बन के दिखा पार्क काफी डरा हुआ था तो जो जैसे बोलना जाता है वो वही करता है पर वो लड़की को लगता है पार्क उसकी स्कर्ट में झहा है आई I मीन mean, वो सुअर है सुअर वो गंदी जगह ही पसंद होती है पार्क नहीं दिख रहा था उसकी स्कर्ट में पर वो बुली पार्क को फिर पे लेता है और उसे बोल देता है तू पैदा ही पिटने के लिए हुआ है आई I मीन mean, ये कितने गंदी इंसल्ट है लाइक तू किसी की माँ को बोल रहा तेरा बेटा पैदा ही पिटने के लिए हुआ है माँ का सोचेगी मैंने इस लड़के को नौ महीने अपने पेट में इसलिए रखा था खराब शाम का टाइम होता है पार्क घर जाता है नूडल्स वगैरह बनाने वाला होता है फिर उसका जो साथ हुआ स्कूल में और तभी पार्क की मदर आया थी जो उसके लिए नूडल्स बना देती है पर उसकी मदर नूडल्स में एग एड कर देती है जिससे को काफी गुस्सा आता है वो बोलता है मत एड करो मैं मोटा हो रहा हूँ इससे अब एक गैंडे

कभी भी यह चीज अपने घर वालों को नहीं बोलना नेवर कंटिन्यू ना अब नेक्स्ट डे स्कूल में पार्क के लड़की से टकरा जाता है और लड़की का ध्यान फोन में होता है बट स्टिल पार्क बेचारा माफी मांगता है क्योंकि उसके पीछे वो बुली खड़ा होता है फिर इन बच्चों को गेम पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं पर इन वो फुटबॉल गोल में नहीं पार्क के मुंह पे मारनी है पहले बुली ट्राई करता है और पार्क उसे डॉच कर लेता है पर फिर वो बोले गुस्सा हो जाता है की पार्क ने डॉच क्यों करा क्योंकि उसने बट लगा रखी थी पैसों की पहले मेरे को यही बताओ ये तीस साल का आदमी स्कूल में कैसे है यहाँ पे लड़की मना भी करते हैं लोगों की पार्क को मत मारो बट स्टिल एक बंदा आता है और पार्क के

कहीं, मेरी वाली तो ऐसी नहीं इसके बाद हम स्कूल कंटीन में आते हैं जहाँ सबके नजरे भाई ने पार्क को स्कूल के बारे में रियालिटी पार्क के उसे ही मिल रही होती है और तो जो बड़ी खुश हो जाती है इको ही है अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देते हैं जहां पार्क अपनी नई नई बॉडी में चलना दौड़ना वगैरह सीख रहा होता है पर पार्क इतना दौड़ता है इतना दौड़ता है की तो स्कूल में नींद लग जाती है और गलती

के बारे में पता है भाई को बराबर नॉलेज सिगरेट की पे स्कूल के बच्चे आते हैं जो फेक दिखा के है, उन्हें मना और वो है ली जो पार्क को पहचान लेता, तो लेता है और बोलता है मेरे लिए तो सब फ्री है ना क्यूँ पार्क मना करता है और ली पार्क को फिर मारता है मतलब ज्यादा जा, मार रहा है न्यूज तक ले लेता है उसे ब्लैकमेल करता कि अगर तूने कहीं कंप्लेन तेरे छोटे दोस्त की पिक्चर हम वायरल कर देंगे इंटरनेट पे के जाने के बाद पार्क काफी रोता है पर तभी उसको उसकी मदर एक कॉल आते है जो थोड़ा हालचाल पूछती है और पार्क बोलते सब कुछ ठीक है एकदम वेल फोन कट करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पार्क की मदर कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए रद्दी तक इकट्ठा कर रही है अगले दिन पार्क स्कूल जाता है वहाँ पे कुछ पार्क की मोटी बॉडी मजाक बना रहे होते हैं पार्क सब सुनता है पर वो लोग उसकी मदर तक का मजाक बनाने लग जाते हैं जो पार्क बर्दाश्त नहीं करता और वो उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू हो जाता है जिससे ली ट्रिगर हो जाता है और एक और रीजन है ली के ट्रिगर होने का वो ये कि जिस लड़की वो किम का जिसपे क्रश

इस वीडियो के एंड तो में तुम्हें एक छोटा सा स्पॉइलर दूंगा पार्क की पावर के रिगार्डिंग टीम में कर लेते हैं और पार्क भी था ही वांट कर रहे हैं और ली भी आ जाते है तो थोड़ा नाराज होता है पार्क से वो पार्क ने स्कूल में था ना इसको इसलिए अब पार्क यहाँ पे थोड़ा अपने बारे में बताता है कि वो रूममेट के साथ रहता है सोता और रात में काम करता है सुनकर सबको लगता है कि पार्क किसी बड़े गैंग लीडर है पार्क ली से पूछता है भाई तो अपनी बंदी किमगोधन लेके आया जो बोलते है। मीठी -मीठी हैं और मीठी बातें कभी साथ नहीं तुम ने में देखा फिर क्या होता है मुझे बाकी लोगों को बता रहे है कि कैसे कल दो बच्चों को बोली किया होता है पार्क की बात कर रहे हैं वो जिसे पार गुस्सा वो ड्रिंक करता है इनका फोन तोड़ देता है और बेहोश हो जाता है और तभी पार्क अपनी मोटी बॉडी में उड़ जाता है आज वैसे काम नहीं गया स्टोर पे रात में पहले सोना ट्राई करता है पर सो ही नहीं पाता तो खुद की स्लिम ड्रीम बॉडी को लेने चला जाता है और ये वहाँ पहुंच के बोलता है की पार्क के रूम मेडने से बजाय इसको लेने के लिए सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं पार्क अपनी बॉडी को लेके यहाँ से जा रहा होता है और ये सब वाश को देख लेता है वैसे पार्क अपनी मोटी बॉडी के अंदर एक पंचिंग बैग वाली मशीन पे पंच करता है उसको लगता है कुछ भी नहीं होता है जब वाश उस मशीन को देखता है वो नोटिस करता है की पार्क ने उस मशीन को ही फाड़ दिया है मतलब जहाँ पंच करते हैं वो फाड़ दिया समझ जाता है की ये लौटे में दम तो है अब इसके बाद अगले दिन

की तरह उसे पैसे छीनना चाह रहा है इनकी फाइट यहाँ पे काफी अच्छी होती है पार्क सारा अटैक को डॉच करता है वास्को के थोड़ी देर बाद वास्को का दोस्त आता है जो देखता है वास्को पेला गया है पार्क ने एक्चुअली में जोर का एल्बम मारा वास्को की चिन्ह पे और वास्को गुन्नी हो गया गुन्नी बोल तो गुड नाइट अपराध में पार्क अपनी मोटी बॉडी में होता है जहां वास को आके उसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना दोस्त मैं तेरे पैसे नहीं बचा पाया पर वास को पार्क को मोटिवेट भी करके जाता है और पार्क यही पे पूछा मानना शुरू हो जाता है लेट्स गो पर तभी वहाँ पे काफी सुंदर लड़की आती है जो पार्को गंदी तरह से ट्रीट नहीं करती इवन वो पार्क के लिए एक एनर्जी ड्रिंक तक बाय करके उसे ऑफर करती है और चली जाती है अगले दिन वास को ये गैंग काफी परेशान हो रही होती है की वास को भाई पहले गए यार कैसे प्रवास तुम कन्फर्म करता है की वो बहुत जल्दी कुछ बड़ा करने वाला एंड सब है हैप्पी 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 इसके बाद पार्क देता है कुछ स्टूडेंट एक स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और पार्क देख के अपना पास शायद आ जाता है पार्क को स्टूडेंट को बचाने जाता है और ये लड़का भी सबको देख रहा होता इसका नाम है है नाम जे ये रहे काफी अच्छा है आगे आएगा काम हमारे यहाँ सीन थोड़ा गर्म होने वाला होता है पर तभी टीचर आगे सबको अलग कर देता है पार्क को स्टूडेंट की हेल्प करने का ट्राई करता है बट वो पार्कों की चला जाता है अब स्कूल के छुट्टी के टाइम पार्क अपनी मदर से फोन में बात कर रहा होता है उसकी मदर बोलते हैं कल तेरा बर्थडे है मैं तुझे मिलने आऊंगी पर पार्क मना कर देता है

दोनों मोटी है इसकी। हम स्कूल में विन को देखते हैं जो अपनी क्लास में सबको बता रहा होता है कि वो और उसका दोस्त रैप करने वाले हैं स्कूल फेस्टिवल में और स्कूल के बाद ये लोग फिर से ड्यू काफी बुली करते हैं देखो स्कूल फेस्टिवल के अंदर सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है, भी कर रहा है पर ये लोग उसे बार बार पेल रहे हैं और लै मूद प्रिपरेशन पे अब स्कूल फेस्टिवल के बारे में पार्क को पता लगता है और पार्क अच्छा गाता था बट पहले पर उसकी अगली बॉडी में कोई सुनना चाहता नहीं था अब पार्क के पास बोले तो वो ट्राई करता है और वो बहुत अच्छा गाता है पार्क आवाज़ सुनकर भी पोस्टर वो सुन आवाज पार्क की थी जहाँ रियलाइज होता है की पार्क एक्चुअली में बुरा आदमी नहीं है वो तो बस डूब से दोस्ती करना चाहता था ड्यूब पार्क को उसके साथ गाने को ऑफर करता है एंड पार्क एक्सेप्टेड फिर दोनों डूब के घर जाते हैं गंदा होता है पर तुम दीवार पे देखो गोड स्लिम से ड्य को याद आता है कि कैसे वो बुलीज, मतलब विन उस दादी का सारा का सारा खाना खा गए थे और पैसा भी उन्होंने नहीं दिया था पर पार्क ऐसा नहीं करता वो काफी अच्छे ट्रीट करता उसकी दादी को और खाना भी नहीं खाता और साइड बाय साइड विन एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहा होता है गाना भी आने वाला है पता नहीं फिर क्यों चलता है अपने ड्यूक से अगले दिन ड्यूक का पूरा, पूरा रैप प्रिपेयर करके आया होता है पार्क पूरे दिन प्रिपेयर करता है घर तो में पार्क करता है कि ड्यूक और उसकी डाल देता था अब पार्क अपनी दूसरी बॉडी के साथ स्टोर में होता थोड़ा रैप वगैरह रहा होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है वही लड़की आती है जो पार्क मोटिवेट करती है वो यही करती है और चली जाती है नाइस गर्ल अगले दिन स्कूल में ड्यूक को पता लगता है कि पार्क ने पूरे का पूरा रैप याद कर लिया भाई के पास दो बोर्डे हैं फायदे ही फायदे अब इसी रात पार्क स्टोर पे काम कर रहा होता है और यहाँ पे ड्यूक और वो बुली आए होते हैं जिसको पार्क ने बचाया था मतलब पार्क ने नहीं वास्को ने बचाया था उन बुलिस से ये लोग अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं और तीनों की जिंदगी अलग पड़े पर जब से पार्क आय थिंक सर गेटिंग बेटर नाउ जैसे पार्क की तारीफ कर रहे होते हैं पर तब यहाँ पे आ जाता है वास्को पार्क वास्को से बात करता है और सब चीजें क्लियर कर देता है वास्को को समझ आता है की पार्क एक्चुअली में एक अच्छा लड़का है ये पार्क जो अच्छा लड़का है ये हम स्लिम वाले पार्क की बात कर रहे

शुरू शुरू में जो आर्ट है वो इतना अच्छा नहीं है फनी like, काफी है मुझे बड़े लगता है बट आर्ट काफी ओल्ड फील होता है कुछ लोगों में भी पसंद ना आए वो पर जो भी है लुक इजम पार्ट वन इतना ही था मिलता है पार्ट टू के अंदर अभी के लोग